आदरणीय भा तोर सेकर जी सुशील भाई श्रीकांत जी इस बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ दूसरे जो अब कार्यक्रम चल रहा है इससे पहले जो कार्यक्रम हो रहा था जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था और कुछ बच्चियों ने यहाँ जो अद्भुत भावा अभिव्यक्ति की और जिस तरह से उन कलाकारों ने यहाँ गाया मैं उनको भी कोटिश्य बधाई देना चाहता हूँ 2022 की बात है महाराष्ट्र के ही किसी आ, मेरे दर्शक ने मुझे फ़ोन किया फ़ोन किया था या मैसेज भेजा था और बार बार वो इसके लिए प्रेशराइज़ कर रहे थे कि आप अपने चैनल के साथ डिस्कशन में जिस तरीके से बाकी लोगों को जोड़ते हैं भाव तौर से कर को जोड़िए मैं भाव के नाम से अपरिचित था और चूँकि मराठी भाषा में जानता नहीं हूँ अब तो थोड़ी थोड़ी समझने लगा हूँ पर मैं मराठी के वीडियो भी नहीं देखता था खबरें पढ़ना आर्टिकल पढ़ना तो दूर की बात है तो मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि भाव तौर से कर को जो लोग जानते हों उनका फ़ोन नंबर उनका संपर्क नंबर मुझे आप मेरे मैसेज बॉक्स में दें और उसके बाद जब मैंने भाव को संपर्क किया भाव को अपने पहले प्रोग्राम में जोड़ा वो दिन है और आज का दिन है आज भाव मेरे पारिवारिक सदस्य भी हैं अभिभावक भी हैं और उनका जो स्नेह है उनका जो मार्गदर्शन है वो लगातार मिलता रहता है तो महाराष्ट्र में जो तमाम उथा उथल पुथल चलते रहते हैं कई तरह के मतलब राजनीतिक ही नहीं दूसरे भी खेल चलते रहते हैं और मतलब एक अजीब स्थितियां हैं कि जो भ्रष्ट हैं जो लुटेरे हैं जो कपटी हैं जो झूठे हैं ऐसे लोग भी सत्ता में आ जाते हैं और ये रोग केवल महाराष्ट्र को लगा हो ऐसा नहीं है देश के कई राज्यों में अतीत में भी हमने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं इस तरह की होती हुई और इनका दुस्साहस देखिए कि इनके बहुत करीबी लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग गिरफ्तार होते हैं जेलों में जाते हैं उनको अदालत सालों साल जमानत नहीं देती है इसके बावजूद ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसी कैसी बातें करते हैं मतलब जो खुद अनैतिक हैं भ्रष्ट हैं कुटिल हैं सारी अब ये बिटिया बैठी है उनतीस साल की बेटी उससे कोई इतना डर जाए केवल एक फेसबुक पोस्ट फॉरवर्ड कर देने मात्र से मतलब इस बेटिया की उम्र है उनतीस साल अब थोड़ी और हो गई होगी उनकी अपनी बेटी की उम्र है उनसठ साल मतलब शर्म भी नहीं आती है आप एक बेटी के पिता हैं आप क्या करा रहे हैं जिस दिन इस बेटिया को गिरफ्तार किया गया मैं वो विजुअल्स देख रहा था उस दिन केवल गिरफ्तार नहीं किया गया था काली शाही भी फेंकी गई थी आप अंदाजा लगा सकते हैं आप मतलब आप आधी आबादी की बात करते हैं आप मातृशक्ति की बात करते हैं आप बेटियों की बात करते हैं और केत की किसी की बेटी नहीं है तो ये लोग ऐसे हैं जो बहुत शक्तिशाली हो गए हैं मैंने करीब करीब चार प्रिंट मीडिया से मतलब अखबारों में काम किया है उनमें से तीन का मैं संपादक भी रहा हूं और <coughs> प्रिंट मीडिया की क्या स्थिति है या विजुअल मीडिया की क्या स्थिति है किसी से दवा छिपा है नहीं जब मैं रिपोर्टर था शुरू में उसके बाद फिर डेस्क इंचार्ज बनने लगा फिर ब्यूरो चीफ हुआ फिर स्टेट में गया तो वहाँ पर विधानसभा कवर करने का अवसर मिला फिर दिल्ली आया तो पार्लियामेंट ए आई सी, सी, ए, दूसरी जो बीट होती हैं वो कवर करने का मौका मिला फिर संपादक बना तीन अखबारों में हम सब जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ किस तरह के प्रेशर होते हैं किस तरह के बायस होते हैं किस तरह से गाइडलाइन दे दी जाती है आपको ये करना है आपको ये नहीं करना है इससे ये नाराज हो जाएगा उससे वो नाराज हो जाएगा फला विज्ञापन देना बंद कर देगा और एक हादसा तो पेश आया था मेरे सामने मेरे साथ अमर उजाला 20 जुलाई 1999 में चंडीगढ़ से प्रकाशित होना शुरू हुआ था मैं वहाँ संपादक था मतलब नया अखबार हमने लॉन्च किया था ओम प्रकाश चौटाला वहां पर देवीलाल के बेटे मुख्यमंत्री हुआ करते थे अब उनको ये गलतफहमी थी कि मैं जाट हूँ और ये अमर उजाला का जो संपादक आया है ये भी जाट है तो जाट तो हमारा होना ही चाहिए मैंने जो अखबार के डायरेक्टर थे ओनर थे अतुल माहेश्वरी अब तो इस दुनिया में नहीं है जब हमारी मीटिंग हो रही थी एडिटोरियल की हमें पॉलिसी तय करनी थी तो उन्होंने कहा कि ओमकार मुझे जनसत्ता जैसा अखबार चाहिए चंडीगढ़ में जनसत्ता के अपने एक तेवर हुआ करते थे और हमने वही तेवर उस अखबार के रखे और पता है नौबत क्या आ गई छ महीने के भीतर उस आदमी ने उस चीफ मिनिस्टर ने अमर उजाला को एक तरीके से रुला दिया जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है विज्ञापन होता है वो शून्य कर दिया तरह तरह से जिलों में जो हमारे संवाददाता थे उनको परेशान करना शुरू कर दिया और मतलब मैंने तो एक तरीके से जो एक पौधा रोपा था मैं उसको मुरझाते हुए नहीं देख सकता था तो मैंने आगे बढ़कर के कहा कि मुझे आप यहाँ से शिफ्ट करिए किसी दूसरे संपादक को लेकर आइए आप क्यों नुकसान उठा रहे हैं अतुल माहेश्वरी आज इस दुनिया में नहीं है उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा लेकिन इसके तीन चार महीने के बाद स्थितियाँ बदलनी शुरू हुई उनका माइंड बदलना शुरू हुआ उनकी थिंकिंग बदलनी शुरू हुई फिर मुझे इंडिकेशन दिए गए और मैं वहाँ से फिर नेशनल ब्यूरो में दिल्ली आ गया वहाँ एक दूसरा संपादक चला गया चौटाला को भी ठीक लगने लगा उसने भी विज्ञापन शुरू कर दिए ये जो खेल होते हैं मीडिया हाउसेस को जो प्रेशराइज किया जाता है उनको अलग तरीके से जो चुग्गा डाला जाता है खरीदने की कोशिश की जाती है तरह तरह से अगर वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है आपका शर्म लिहाज नहीं कर रहा है तो फिर उस पर तरह तरह के प्रेशर आप बिल्डअप करेंगे ये खेल पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है आज की तारीख में भी चल रहा है ये तो भला हो इस दौर का जिसमें ये सोशल मीडिया आ गया है जहां आम जनता के हाथ में एक पावर बटन दे दिया गया है तकनीक के इस युग में जो लोग प्रिंट मीडिया में स्थान नहीं पा पाते थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिनकी कोई पूछ नहीं थी अप्रोच नहीं थी वो कम से कम सोशल मीडिया पर आकर के अपनी बात कह सकते हैं और बेहतर तरीके से साहस के साथ कह सकते हैं नंबर दो जो हम लोग चूंकि प्रिंट मीडिया में काम कर चुके हैं हमें बहुत अनुभव है हमें एडिटिंग का भी पता है हमको मुद्दों का भी पता है जो एक्चुअल में समस्या है इस देश की हमें उसका भी आभास है बहुत अच्छे तरीके से एहसास है और हमें यह भी पता है कि देश के भीतर भी और देश के बाहर भी कौन कौन सी ताकतें हैं जो बहुत बड़ी बाधा बनकर के खड़े हो गए हैं हिंदुस्तान की तरक्की में और कौन लोग हैं जो सत्ता खिसकते ही मछली की तरह तड़पने लगते हैं और फिर जितनी साजिशें वो रच सकते हैं जितना दुष्प्रचार वो कर सकते हैं जितना झूठ वो फैला सकते हैं वो फैलाने की कोशिश करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मैं जब हरिभूमि का संपादक हुआ करता था और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर संपादक हैं महत्वपूर्ण पद पर हैं तो आप कोई दूसरा साथ में काम नहीं कर सकते हैं तो वहां मैंने उन लोगों से कहा कि मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूं और उसके पीछे कोई ये नहीं था कि धन कमाना है या कोई ऐसी बात है उनको काउंटर करने के लिए मैं YouTube चैनल बनाना चाहता था और चलाना चाहता था जो पिछले पांच साल से लगातार झूठ बोल रहे थे दुष्प्रचार कर रहे थे और एक गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे मुझे संतोष है कि आज ऐसे लोगों की भी भरमार है जो उस झूठ को काउंटर कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं इसकी वजह क्या है ये साहस कहाँ से आता है ये साहस आता है इससे कि ये जो यूट्यूब चैनल हैं या सोशल मीडिया मंच हैं हालांकि अपवाद हर जगह होता है हर जगह कुछ गलत लोग आ जाते हैं समय के साथ लेकिन जब समुद्र मंथन होता है तो अमृत अलग निकल आता है और जो गंदी मछलियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं ऐसा होगा क्योंकि अब समझने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है YouTube चैनल पर सोशल मीडिया मंचों पर कम से कम जो मल्टी हैं जो सरकारें हैं जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो मतलब प्रेशर ग्रुप होते हैं मीडिया को प्रभावित करने के लिए उनका तो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है ना हम लोग जो कह रहे हैं जो कंटेंट हम तय कर रहे हैं उसका रेस्पॉन्स हमें हाथों हाथ मिल जाता है हमने किसी एक विषय पर कोई वीडियो बनाया कोई प्रोग्राम बनाया और उस पर कितने लोगों की लाइक्स आ गई कितने लोगों की प्रतिक्रियाएं आ गई ये हमें हाथों हाथ पता चल जाता है हमें पता है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं क्या सुनना चाहते हैं और केवल मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं यूरोपियन कंट्रीज में जो रहते हैं जो खाड़ी के देशों में भी रहते हैं या पूरब के देशों में आप चले जाइए वहाँ भी कोलंबो से मेरे पास लगातार एक बहन का फोन आता है रोशन करके है मुस्लिम है लेकिन लगातार फीडबैक देते हैं विदेश में बैठे हुए लोग भी फीडबैक देते हैं इसका मतलब ये है कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे आपका ये सो कॉल्ड जो ये चाट पकौड़ी बेचने वाले शाम को चार बजे से खोमचा लगा करके बैठ जाते हैं और तरह तरह के मसालेदार जायके के बेचने की कोशिश करते हैं इन सब से लोगों का मोह भंग हो गया है इन्होंने विश्वास खोया है और ये जो सोशल मीडिया मंच हैं इन्होंने लोगों का विश्वास जीता है ये अब इन यूट्यूब चैनलों में संभावनाएं देख रहे हैं इनको लगता है कि कम से कम कहीं तो कोई एक ज्योतिपुंज दिखाई दे रहा है जो उम्मीद जगा रहा है इसलिए सुशील कुलकर्णी जैसे लोग जब कोई इनिशिएट करते हैं जब कोई आगे कदम बढ़ाते हैं उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है